ये गेट खुल के इसके अंदर से ट्रेन जाती थी और यहाँ पे चेकिंग वगैरह होके और फिर आगे निकल जाती थी कराची के लिए। वहाँ पे देख रहा होगा मुनावो लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन। भाई साहब रेगिस्तान का जहाज। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा। दोस्तों अभी मैं हूं राजस्थान के बाड़मेर शहर में और बाड़मेर के मैं खड़ा हूं अभी रेलवे स्टेशन पे। आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी कराने वाला हूं ट्रेन की जिसमें बहुत ज़्यादा रोमांचित होने वाली है। बाड़मेर से हम लोग जाएंगे बिल्कुल हिंदुस्तान के लास्ट गाँव में, यानी मुनावा रेलवे स्टेशन, जो हिंदुस्तान का बिल्कुल लास्ट विलेज है। यहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो बन के चलेगी 7:30 पे और वहाँ पे हम पहुँचेंगे लगभग 2 घंटे में। 2 घंटे का हमारा सफ़र है, चलते हैं वहाँ पे खड़ी ट्रेन हमारी। ये हमारी ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी हुई है, इससे हम अभी जाने वाले हैं जो बिडाला जोधपुर बाड़मेर मुनावा। वैसे तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी होती है लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है, 2 पे कोई नहीं है। चलिए इसमें चढ़ते हैं और आज की इस सफ़र की हम लोग शुरुआत करते हैं। ट्रेन हमारी चल पड़ी है बाड़मेर से। टाइम हुआ है 7:32। अब किसने चैन पुलिंग कर दी, अभी तो निकल भी नहीं पाई गाड़ी, पता नहीं। उससे पहले ही रोक दी गाड़ी। ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली है और फुल स्पीड से अब चलने लगी है। अभी हम लोग बाड़मेर रेलवे स्टेशन से निकले हैं। वैसे इसके यहाँ के निकलने का जो समय था 7:30 पे था लेकिन ये ट्रेन यहाँ से निकली है 7:32 पे। अब जैसे जैसे ये ट्रेन चलती रहेगी जो जो स्टेशन हमको पड़ेंगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे। सवारियों की बात करें तो सवारी ट्रेन के अंदर बहुत कम है और बहुत ज़्यादा मिट्टी है ट्रेन के अंदर, बालू वगैरह है। अमर भाई अंदर से बाहर आ गए। कोई सवारी है अंदर? अंदर बहुत कम सवारी है, बहुत कम लोग जाने वाले हैं। और जहाँ से हमने टिकट ली थी तो टिकट वाले ने हमसे पूछ लिया कि भाई मुनावा क्या करने जा रहे हो, यानी अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं कि आप मुनावा क्या करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, जैसा भी सफ़र रहता है आप लोगों को दिखाते हैं। कोरोना काल से पहले भारत पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेनें चलाई जाती थी, एक थी समझौता एक्सप्रेस और एक थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस जो थी वो बाघा बॉर्डर से चलाई जाती थी और थार एक्सप्रेस जो थी वो जोधपुर से चल के और मुनावा होते हुए जाती थी पाकिस्तान के लिए, यानी मुनावा 0 लाइन बाड़मेर होते हुए वो जाती थी पाकिस्तान के लिए। तो जब से कोरोना काल आया था दोनों ही ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। अभी जिसमें मैं जा रहा हूँ ये एक पैसेंजर गाड़ी है जो बाड़मेर से चल के मुनावा तक जाती है। सुबह का व्यू कितना खूबसूरत है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और इधर आप लोगों को दिख रही होगी धरती होरारी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यहाँ पर। ट्रेन अपनी रफ्तार को पकड़ती हुई ट्रेन ने यहाँ पे बहुत धीमी गति कर ली है, इसका मतलब हो सकता है इसका पहला स्टॉप आने वाला होगा। इस साइड तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं।
बाड़मेर से चलकर पहले स्टेशन पे ये रुकी है ट्रेन, जिसका नाम है जसाई। काफी पुराना रेलवे स्टेशन है ये भी। बाड़मेर के बाद ये पहला स्टॉप है जिसको ट्रेन क्रॉस कर रही है। यहाँ पे कुछ लोग आप देख रहे हैं, ये रह रहे हैं झोपड़े पट्टी में, और ये है जसाई। जो अभी वाला जो पड़ा था ना प्लेटफॉर्म, ये था जसाई रेलवे स्टेशन, पहला स्टॉप था बाड़मेर का। और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक आध सवारी ही चढ़ी होगी ट्रेन के अंदर, वरना कोई नहीं चढ़ा है। अभी हमारी ट्रेन थार मरुस्थल से होकर गुजर रही है, जो कि विश्व का 9वें स्थान पर सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका 85% हिस्सा भारत में आता है, जबकि 15% हिस्सा पाकिस्तान में आता है। देखो कितनी ज़्यादा दूर हो रही है ये, ये पूरा मरुस्थल है। यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वहाँ पहाड़ों के पीछे सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बन रहा है सुबह का। अभी हमने दोनों तरफ की गेट लगा दिए, क्योंकि बाहर से जो रेत है ना, रेत आ रहा है पूरा मुंह पे लग रहा है, आंखों में जा रहा है। और इसका भी जैकेट भी मैंने बंद कर लिया, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर से, और अभी सुबह सुबह का मौसम है, वैसे भी तबीयत खराब है। और ज़्यादा तबीयत खराब ना हो जाए इस वजह से मैंने ये बंद कर लिया, ये वाला भी लगा दिया और ये वाला भी लगा दिया। यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा गांव दिख रहा होगा, ये रेगिस्तान के गांव होते हैं कुछ इस प्रकार के, जहाँ पे एक जगह पे 8 से 10 घर बने होते हैं, बस वही छोटा सा गांव होता है रेगिस्तान में। इस प्रकार के देखो, ये जो आप लोग देख रहे हैं सामने, यही है रेगिस्तान का गांव। और यहाँ पे भी आप लोगों को एक मोबाइल टावर भी यहाँ पे एक लगा हुआ है। ये है गांव रेगिस्तान के। अभी हम तीसरे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, जिसका नाम है भाछवर। भाछवर है ये रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे कुछ देखो, ये लोग अपना दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं सुबह ही सुबह।
कहाँ से हो? बाड़मेर से। इधर आ जाओ। बाड़मेर से हो, इधर कहाँ जा रहे हो? कहाँ पे? रामसर, यही अभी आने वाला है। अच्छा, ये आने वाला है। अच्छा, यहाँ से पहले जो पाकिस्तान वाली ट्रेन चलती थी, पता है क्या आपको? कोरोना काल से पहले आपने देखी थी? वो तो पूरी पैक होकर जाती होगी। जोधपुर से डायरेक्ट मुनाफा, वो कहीं बीच में नहीं रखती थी। अभी कब से बंद है वो? कोरोना से बाद में चालू नहीं, उससे पहले चलती थी। अभी पहुंची है रामसर, ये चौथा स्टेशन मिला है हमको बाड़मेर से रामसर। ये बाड़मेर से हम लोग चौथा रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं जिसका नाम है रामसर। ट्रेन पूरी थार मरुस्थल में होकर गुजर रही है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है कि आंखों में जा रही है, जिस वजह से मैंने तो अपना चश्मा भी लगा लिया। और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही क्योंकि सुबह का मौसम है। साथ साथ आप लोगों को वहाँ पे रोड भी दिख रहा होगा, तो बिल्कुल ट्रेन के साथ साथ में ही रोड भी जाता है। यहाँ पे अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं ना, तो बाई रोड भी जा सकते हैं। ये इधर बिल्कुल ट्रेन के साथ साथ में ही रोड चल रहा है, इसलिए ये देखो बस जा रही है ना। ये ट्रेन के साथ साथ में रोड भी है, इसमें गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं। गागड़िया, ये पांचवा रेलवे स्टेशन आया जिसका नाम है गागड़िया। यहाँ पे भी एक आधी आदमी मेरे को दिख रहा है, एक आधी पैसेंजर है देखो चढ़ने के लिए, वरना नहीं है। तो यह है छोटा सा रेलवे स्टेशन। बाड़मेर से अभी हम पांचवें रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं जिसका नाम है गागड़िया। गागड़िया से हमारी ट्रेन निकल रही है अभी, और मेरे चेहरे पे आप लोग देख सकते हैं पूरा धूल ही धूल हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली, रेत ही रेत उड़ रहा है। ये देखो गागड़िया रेलवे स्टेशन अभी हम लोगों ने क्रॉस किया, यानी पांचवा रेलवे स्टेशन क्रॉस किया। ट्रेन में कोई है ही नहीं, मैं हूँ, अमर भाई हैं, पूरा खाली है और रेत ही रेत है। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? भैया मैं गटरा जा रहा हूँ। गटरा? गटरा हाँ। मुनावा से पहले पड़ता है ना गटरा? मुनावा से पहले पड़ता है। पहले गटरा फिर मुनावा, मुनावा पहले गटरा फिर मुनावा। इससे पहले ट्रेन चलती थी ना जो पाकिस्तान तक जाती थी, थार एक्सप्रेस, तो वो कहाँ से कहाँ तक जाती थी? नवाब तक तो पहले जाती थी, अभी वो नहीं। वो कोरोना काल से बंद कर दी ना? कोरोना काल से बंद कर दी, उसके बाद अब चालू नहीं है। गटरा रोड आया है, ये छठवां रेलवे स्टेशन है, इससे पहले पांच क्रॉस कर चुके। यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है ना, वो अंतिम बिंदु है यहाँ पे। यहाँ इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु इस क्षेत्र तक, ये गटरा रोड। अच्छा, यहाँ खत्म हो जाती है, आगे इंदिरा गांधी नहर नहीं है, इससे आगे इंदिरा गांधी नहर नहीं है, यहाँ पे अंतिम बिंदु है। देखिए यहाँ पे पैसेंजर बहुत ज्यादा उतरे, इसका मतलब ये थोड़ा मेरे को लग रहा है सिटी, यहाँ पे बड़ा सिटी है ये गटरा रोड, यहाँ पे ज़्यादातर सवारियाँ उतर रही हैं। अभी ट्रेन जिस स्टेशन से निकली है वो था गटरा रोड, और सबसे ज़्यादा पैसेंजर इसी स्टेशन पर उतरे। बाड़मेर से हम चले थे तो बाड़मेर के बाद में सबसे ज़्यादा सवारियाँ यहीं पे उतरी हैं गटरा रोड पे।
यानी ये यहाँ का बाड़मेर के बाद बड़ा मार्केट है यहाँ पे, और लग भी रहा था जैसे कि सवारियाँ सबसे ज़्यादा यहीं पे उतरी हैं। यानी जितनी ट्रेन में थी सवारी, तो मेरे हिसाब से आधी से ज़्यादा सवारी उतर चुकी हैं गडरा रोड पे। अभी इसमें बहुत ज़्यादा कम पैसेंजर बचे हुए हैं, गाड़ी अभी निकल चुकी है। गेहूँ वेहूँ का कोई मसल नहीं रहता ना यहाँ पे, ट्यूबवेल है। अच्छा, नहीं तो बारिश के मौसम में ही बह जाती है फसल। अच्छा, यहाँ पे तो ये ट्यूबवेल की वजह से है ना फसल। ये क्या फसल हो गई है, गेहूँ है? गेहूँ नहीं होता ना इधर, गेहूँ होता है कम बहुत होता है, वरना बाजरा वगैरह। हाँ, बाजरा होता है यहाँ, खाते भी बाजरे ज्यादा, बाजरा और ज्वार। बाजरे की रोटी खाते हैं, बाजरा और ज्वार खाते हैं। देखो जैसे पीछे अरंडी, अरंडी की खेती है ये। वो जो आप लोग देख रहे हैं ये फौजियों के बंकर हैं, जो ऊपर नजर आ रहे हैं, आर्मी के बंकर हैं वो। कुछ परिवार अभी है जो मतलब पाकिस्तान में रह रहे हैं आपके? हमारे कुछ परिवार हैं वहाँ पाकिस्तान। जब बंटवारा हुआ था तो आधे लोग इधर रह गए, आधे लोग उधर चले गए। श्रीपुत्र में हम आए थे और आधे तो वहीं पे रहते हैं। तो आप लोग बीकानेर तभी चले गए थे 71 में? बाद में जमीन अलॉट हो गई ना, तब हमारे को जमीन वहाँ पे बीकानेर में मिली थी। अच्छा, यहाँ की जो जमीन थी वो आपको बीकानेर मिली जाके? हमारे जी नहीं, हमको सना के आए हुए थे पाकिस्तान। अच्छा, आप तो पाकिस्तान से आए हुए ना, उधर से वो थे। कहाँ से आए हुए? पाकिस्तान से। कौन सी जगह? पाकिस्तान में सीताबा गाँव है। सीताबा गाँव पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ के आए हुए लोग हैं। वहाँ से आए हुए जमीन सीपत में। अच्छा, फिर यहाँ पे हमें जमीन, यहाँ पे ऐसे ही रहते थे, फिर जमीन अलॉट हुई ना वो गंबे का बीकानेर जिले में अलॉट हुई। अच्छा, हम बीकानेर चले। अच्छा, आप फिर बीकानेर चले, तो मतलब आपकी फैमिली कुछ पाकिस्तान की तरफ भी है? कुछ पाकिस्तान की तरफ है, कुछ इधर भी है। तो उन लोगों से बात वगैरह होती है? हाँ, बात फोन से बात होती है। हाँ, व्हाट्सएप पर। वैसे मिलने के लिए कभी मिले हैं? मिले तो नहीं है, मैं तो इतना नहीं मिला हूँ। वो एक बार आए थे पाकिस्तान वाले, हिंदुस्तान आए थे। अच्छा, वो लोग आए थे इधर मिलने के? जब पाकिस्तान से आए थे ना तब कैसा माहौल था, हमारे परिवार आधा उधर रह गया है, उसके बारे में कुछ बताओ ना हमें भी। तुम कहा, तुम कहना बोल, जो परिवार के वहाँ पे रह गए वो उसकी याद आती है? कितने ही हो? हाँ। पाकिस्तान में ना? नहीं है, पाकिस्तान में। हाँ, देखो परिवार है ना अपना, उनकी। हाँ, अपनी तो, बोल तो है, परिवार है पाकिस्तान में। हाँ। नान वही भाने जान रहे उठे। वहाँ से आए थे तब कितने साल के थे? आया ना अपन घना साल के आए, हम 71 में आए थे। ओए, 71 आए थे। आज पाकिस्तान लड़ाई थी दिन जद तन ध्यान जोसन लड़ाई वेग ही लगी है, घना वर्ष थे आए। हां, दादी जी बोले घोनी है लीलमा, ये स्टेशन था कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे टिकट वगैरह का भी कोई काउंटर वाउंटर नहीं है? हां, ये देखो भाई, वो देखा भाई साहब, रेगिस्तान का जहाज। ट्रेन पहुंच गई मुनाबा रेलवे स्टेशन। ये जो आप लोग तारबंदी इधर देख रहे हैं, पहले ट्रेन इधर से घुस जाती थी अंदर और यहां से पाकिस्तान की तरफ जाती थी इस साइड में, जिसको अभी बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी हुई है और ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे तार बंदी है, पहले यहाँ से जो ट्रेन थी वो अंदर जाती थी और यहाँ पे चेकिंग वगैरह होने के बाद और पाकिस्तान के लिए निकल जाती थी। पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन की भी यहीं पर चेकिंग हुआ करती थी। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ प्रवेश लिखा हुआ है वो उर्दू में भी वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पहले पाकिस्तान की तरफ ट्रेन इधर से जाती थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। थार एक्सप्रेस 7 भगत की कोठी मुनावा, थार एक्सप्रेस 2 मुनावा भगत की कोठी, फिर थार एक्सप्रेस वे कराची मुनावा, कराची तक जाती थी पहले। यहाँ पर कितने सारे फौजी हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में घुस गए हम लोग ना। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे मुनाबाव रेलवे स्टेशन पे। ये जो देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है मुनाबाव, यहाँ पे चारों तरफ इतनी ज़्यादा आर्मी है भयंकर वाली। पहले तो हमसे उतरते ही पूछ लिया कि कहाँ से आए हो और क्यों आए, तो हमने बता दिया देखो भाई हम इधर घूमने आए।
चलिए आखिरकार हम मुनाबा रेलवे स्टेशन घूम तो लिए। वैसे यहाँ से थार एक्सप्रेसवे चलती थी जो जाती थी कराची तक, 2 बजे निकलती थी दोपहर को और कराची जाती थी, और वहाँ से कराची से मुनाबा तक आती थी जो जोधपुर के लिए जाती थी डायरेक्ट। कराची से यहाँ पे रुकती और इसके बाद सीधा जोधपुर, बाड़मेर नहीं रुकती थी, और वो जोधपुर से आती थी तो वो बाड़मेर नहीं रुकती थी, यहीं मुनाबा आके और फिर डायरेक्ट कराची के लिए निकल जाया करती थी जो थार एक्सप्रेस वे चला करती थी। अभी वो फ़िलहाल बंद है, कोरोना के बाद उसको बंद कर दिया गया है। तो चलते हैं, यही था हमारा सफ़र आज का। यहाँ हमने आप लोगों को दिखा दिया मुनाबा, हमको तो यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है जैसे वास्तव में मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ। ट्रेन हमारी निकल चुकी है, मतलब रिटर्न जा रही है, और ये वाला जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है ना, इसमें होके पहले ट्रेन घुसती थी अंदर से, ये जो गेट खुलता था ये वाला, तो ये गेट खुल के इसके अंदर से ट्रेन जाती थी और यहाँ पे चेकिंग वगैरह होके और फिर आगे निकल जाती थी कराची के लिए। वहाँ पे दिख रहा होगा मुनाबा लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन, और अभी इस पे जाती है, पहले इस वाले ट्रैक पे जाती थी ट्रेन, अंदर निकल के पूरा चेकअप वगैरह होके और फिर निकल जाती थी कराची के लिए। तो वो ट्रेन जाती थी 2 बजे दोपहर में। अभी हम लोग यहाँ से मुनाबा से ये देख के और वापस जा रहे हैं रिटर्न बाड़मेर की तरफ। ये ट्रेन लगभग 12 पे पहुँच जाएगी, यानी ये 10:30 पे यहाँ से निकली है तो ये पहुँच जाएगी 12:40 पे। 2 घंटा 10 मिनट लगती हैं बाड़मेर तक पहुँचने में, इतना ही समय हमें आने में लगा था और इतना ही जाने में लगेगा। चलिए तो बाय दोस्तों। अभी हम लोग आ गए हैं, ये गाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है, 12:40 पे ये गाड़ी यहाँ पहुँची और यहाँ से अब ये जाएगी जोधपुर के लिए। तो आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा, हम यहाँ से बाड़मेर से गए थे मुनाबा तक और मुनाबा से फिर वापस आ गए। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।